हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी की किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं सूखे मटर से छोले बनाऊंगी जो बहुत ही टेस्टी होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मटर को अच्छे से वॉश करके रख दिया था। रात को भी मैंने भिगो के रखे थे, मतलब आप लोग तीन चार घंटे भिगो के रखना। और आलू ले लिया है बड़े साइज के, एक काट लिया है, और दो प्याज काट लिया है बड़े बड़े साइज से। और मैं इसको बॉईल करूंगी इसमें कुकर में प्याज, मटर, आलू सब डाल देती हूँ बॉईल होने के लिए। अभी डाल दूंगी पानी। अभी गैस ऑन कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर डालूंगी नमक। अभी इसको मैं तीन सीटी आने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद बाकी की प्रोसेस आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, मेरी मटर बॉईल हो गया है। इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, ये देखिए, और मैंने निकाल लिया है कुकर से। अभी देना आसान होगा, इसलिए अभी गैस ऑन करके कढ़ाई बिठा दिया है इसको बनाने के लिए। और इसमें डाल दूंगी अभी कढ़ाई गर्म होने से ही तेल, सरसों की तेल है ये। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल इसके साथ भी बना सकते हैं। अभी मैं कढ़ाई को थोड़ा सा घुमा के देती हूँ, इससे क्या होता है फ्राई करने में अच्छा होता है इसीलिए। और तेल हमारा गरम हो गया है, अभी पाँचफोरन डाल दूंगी और गैस को थोड़ा सा कम कर दूंगी। और दे दूंगी दो सूखी हुए लाल मिर्च, दो हरी मिर्च, अदरक लहसुन की पेस्ट एक चम्मच, और थोड़ा सा इमली। इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। फ्राई करते करते अभी मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर। और एक चम्मच कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर, और इसको अच्छे से थोड़ी देर मसाला फ्राई कर लूंगी। मसाला हमारा फ्राई हो गया है। अभी मैं इसमें प्याज नहीं डालूंगी क्योंकि मैं प्याज बॉईल करके रखी थी, इसीलिए मटर के साथ अभी मटर डालूंगी। ऐसे अच्छे से प्याज हमारा अभी देख रहे हैं, मतलब कढ़ाई में। पर जब तक हम फ्राई करेंगे इसको 10 मिनट लगभग हम अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि फ्राई अच्छे से करने से अच्छा लगता है। और इमली थोड़ा सा देने से थोड़ा सा खट्टा लगता है, तो खाने में स्वाद बहुत अच्छा लगता है। आप लोग चाहे तो इमली स्किप कर सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा और धनिया पाउडर। मैं धनिया जीरा एक ही के साथ मसाला घर में बना के रखती हूँ, बड़े चम्मच से आधी चम्मच। अभी इसको मैं 10 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूंगी। ये देखिए दोस्तों, मेरी जो छोला है अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी मैंने थोड़ा सा आलू को भी इसको मैच कर दिया है, क्योंकि आलू को थोड़ा सा मैच करने से अच्छा लगता है खाने में, इसीलिए। अभी देखिए प्याज नहीं देख रही है, प्याज भी अच्छे से मैच हो गया है।
इसको हम तो घुगनी भी बोलते हैं, छोले भी बोलते हैं। इसको रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, सबके साथ खा सकते, बहुत अच्छा लगता है। सुबह की ब्रेकफास्ट हो या कोई कोई लंच पे भी रोटी खाते हैं, रात को भी, डिनर पे भी खाते हैं। और इतना टाइम भी नहीं लगता है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं पानी, अच्छे से फ्राई हो गया है। और मैं जब मटर को बॉईल किया था उसी पानी, मतलब यहाँ पे ऐड करूंगी। मैं दूसरा और पानी नहीं ऐड करूंगी, इसको अभी उबाल आने देती हूँ। और नमक मैंने बॉईल जब किया था तभी दे दिया था, अभी मैं नमक ऐड नहीं करूंगी। और इसमें डाल दूंगी एक चम्मच, छोटे चम्मच से किचन किंग मसाला। इसको अभी अच्छे से उबाल आने के लिए वेट करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरी सूखे हुए मटर की छोला बनके रेडी हो गए हैं। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और कलर बहुत अच्छा। इमली देने से हमारा तेल पे कलर बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों ने देखा है, मैंने प्याज और कुछ नहीं डाला, ऐसे ही बनाया नॉर्मल। कभी कभी ज़्यादा प्याज, मतलब मिक्सी में पेस्ट बना के ऐसे देने से भी ऐसे भी खा के बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा अलग स्टाइल से। तो ये हो गया है। अभी मैं इसी, मतलब जब ऐसे ही पानी, इतना पानी में मतलब रख देती हूँ, गैस बंद कर देती हूँ। ये थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे बन जाएंगे, मतलब उस टाइम के लिए। ये देखिए, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी आज अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए आप लोगों को कैसी लगी। और जो नया मेरी वीडियो देख रही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और हिंदी थोड़ा अटक जाती हो, कुछ गलती हो गई तो माफ कर दीजिए, सॉरी। आज के लिए इतना ही। सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। फिर से एक नई रेसिपी लेके आप लोगों के पास आऊंगी।